पे जरूर डालो कि जिससे हमें पता लगे कि आपने हमारा वीडियो देखा है, ठीक है। और हमें बताओ कि सर आप इसके ऊपर थोड़ा बनाइए, इसके ऊपर बनाइए, ताकि आप ये चीजें हमें ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो दूसरा ये बता रहे थे, देखो जैसे हमने पिछले दिनों क्या किया था, कोरोना में क्या था, हम सभी मास्क डाल के चल रहे थे। तो क्या आप ऐसे चाहोगे कि आपके प्लांट्स को आप ऐसे ढक के रखो, है? ये फिगर क्या बता रही है, मुझे इंटरप्रेट बताओ भाई। पेस्टिसाइड का स्प्रे हो रहा है, तो जब पेस्टिसाइड स्प्रे हो जाएगा फूड के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर, तो क्या आप उसको खाना चाहोगे? सबसे पहले क्या अवेयरनेस की कमी है हम लोगों में। हम क्यों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका करा रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए। आप जो 30 स्टूडेंट इधर बैठे हो, आप जहां भी जाओ, सबसे पहले ये बना लो कि हम लोगों को ये बताएं कि पेस्टिसाइड का यूज आप बंद कर दो, ठीक है, बिकॉज इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स। पहले हमारी सिचुएशन अलग थी, हम थे, हमारे पास कमी थी अनाज की, तो हमें उसको बढ़ाना था, प्रोडक्शन लेनी थी। अब हमने प्रोडक्शन ले ली, अब हमें क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, तो हमें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर हेल्थ, ठीक है ना। क्योंकि ये नहीं है कि हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर हमने पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया और ये हमारे लिए सेफ है। कल वो डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर रमेश्वर, वो क्या बता रहे थे कि कुछ एरियाज ऐसी हैं वहां क्या करता है फार्मर, जो बाजार पंजाब का उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो बाजार हमने बेचना है वहां पर क्या करते हैं, वहां स्प्रे करते हैं, जो घर के लिए खाना है उस फील्ड को वो अपने लिए ठीक है तो दूसरे के लिए, लेकिन इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तभी हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हमें नेचुरल फार्मिंग को आगे लेके आना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे लेके आना। उसका रीजन क्या है कि सॉइल की जो हेल्थ डिप्लीट हो रही है, इसका क्या, इसका ये किससे एसोसिएटेड है सारी चीजें, ये सारी चीजें एसोसिएटेड है क्लाइमेट चेंज के साथ। आज आप बात करते हो कि सर क्लाइमेट चेंज हो गया, यहाँ पर ये क्रॉप नहीं हो रही, ऐसे नहीं हो रहा, वो सारा क्या है, वो सब इल इफेक्ट्स हैं किसके, यूज ऑफ दीज पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, एक्सेसिव यूज, नॉट ओनली यूज बट एक्सेसिव यूज, एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑन अवर हेल्थ आल्सो, है ना, इट इज एट द कॉस्ट ऑफ अवर हेल्थ, ठीक है। तो ये मेन फोकस है कि हमें अवेयरनेस को लेके आना है कि जो भी है उसको ये बताना है कि भाई आपने ऐसे नहीं खाना है। ये नाम आपने सुना था, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, क्या नाम लो एक बार, क्या नाम है, ऊंचा बोलो ना यार, जिसके बारे में नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ये तो कहते हैं कुछ भी नहीं करना, नो डिलेट नथिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम अब ये आप पढ़ी ले लो, नेचुरल फार्मिंग में बेसिकली है क्या, क्रॉप रोटेशन करनी है आपको। हाँ बोलो सर, अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे फील्ड पे और हमने सीड जैसे डाल दिए फील्ड पे, तो हमें तो कहा स्टैंडर्डाइज थे कि इसको 2 सेंटीमीटर नीचे लगाना, 3 सेंटीमीटर वो कैसे जर्मिनेट वो लगाना ना, वो मतलब ये है कि आपको ट्रैक्टराइजेशन नहीं करनी, अच्छे से जहाँ सीड लगा सब ऊपर, हाँ ट्रैक्टराइजेशन नहीं करनी, वो नहीं करना, बाकी तो उसको आपको डंडे से तोड़ोगे ना, जो मिट्टी के गड्ढे होंगे उनको तोड़ोगे नहीं, पानी तो दोगे, वो है उसका मतलब। बाकी आपने ट्रैक्टराइजेशन करते हो जैसे मैकेनिकल जो काम करेंगे वो काम बंद कर देंगे, ठीक है, उसको अनटच्ड छोड़ना, उस को मतलब अनटच्ड, जितना मिनिमम आप उसमें कर सको उतना उसमें करना है, मिनिमम टिलेज, मिनिमम जो भी है वो सारी एक्टिविटी मिनिमम करनी है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन करनी है, क्रॉप रेजिड्यूज को यूज करना है, और क्या करना है, सबसे बड़ी बात उसी नाम होता है कि लेग्यूम्स, नेचुरल फार्मिंग आपने लेग्यूम्स को एनकरेज करना है। क्यों, लेग्यूम्स क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और वो आपकी सॉइल की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको बात होती है तो आपने अपनी जो क्रॉपिंग पैटर्न बनाना है उसमें लेग्यूम्स को इन्वॉल्व करना है। जैसे उस दिन हम फील्ड में गए थे तो हमने देखा इस बच्चे का एक्सपेरिमेंट आप देख रहे थे, इसने क्या किया, मस्टर्ड के साथ चिकपी लगाई है, वो क्या था उसका रीजन, क्रॉप का साइकिल भी देखना साथ में, प्लस उस लैंड को मैक्सिमम यूज भी करना, और उसमें ये यूज कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मुलेशन, है ना, यही था ना उसमें आपका मेन एम, यही है उसका ऑब्जेक्टिव कि हम अलग अलग जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हम स्टडी करें, कौन सा बेस्ट हमें निकल के आता है,
ठीक है। तो ये मेन हमारा फोकस एरिया ये है कि हमें क्रॉप रोटेशन पे फोकस करना है, क्रॉप रेजिड्यू जो उधर होंगे उसी को यूज करना है, तभी इसको हम क्या कहेंगे, जीरो बजट फार्मिंग। नेक्स्ट मैम, वही केमिकल फ्री होना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग सिस्टम कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड विद द प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? प्लांटिंग ऑफ क्रॉप सीक्वेंसली, एक के बाद दूसरी क्रॉप लगानी, ठीक है, ताकि आपका फील्ड जो है उसको आप मैक्सिमम उससे ले सको। जब आप मैक्सिमम ले रहे हो तो उसको देना भी पड़ेगा ना, फील्ड तभी आपको ज्यादा देगा जब आप उसमें भी कुछ डालोगे। तो उसके लिए हम आपको कहते हैं ग्रीन मैन्यूरिंग करो, है ना, उसमें आप लेग्यूम्स को उगाओ ताकि वो आपकी जो सॉइल की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके, ठीक है। देन सेकंड वन इज मल्चिंग। चार कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे अगर आपको पता होगा नेचुरल फार्मिंग। पहला क्या है? वेरी गुड, ठीक है, ये चार कंपोनेंट्स है, तो उसमें मल्चिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन इट्स इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या देगी आपको? एक्स्ट्रा इनकम देगी। जैसे सपोज करो आपने एक ऑर्चर्ड लगा लिया, बाग लगाया, तो आपको दो या तीन साल तक उसमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उसमें अगर जो अंदर की फील्ड है विद इन द रोज जो स्पेस है उसको अगर आप इंटरक्रॉप यूज करते हो, इन दैट इंटरक्रॉपिंग यू कैन ग्रो पल्सिस, यू कैन ग्रो फ्लावर्स, यू कैन ग्रो वेजिटेबल्स विच विल गिव यू एक्स्ट्रा इनकम, है ना। हमें लैंड को खाली नहीं छोड़ना, उसको यूज करना है, ठीक है जी। फॉर्म्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, ये तीन तरह की मैंने जो लिटरेचर पढ़ा उसमें थी, एक है फर्टिलिटी फार्मिंग, सेकंड इज कृषि खेती, और थर्ड इज जीरो बजट फार्मिंग। अब ये है क्या? नेक्स्ट, व्हाट इज फर्टिलिटी फार्मिंग? क्या फर्टिलिटी फार्मिंग? ये जैसे कोको को आपने उसके बाद एक नाम हमें मिलता है 1951 में, न्यूमन टर्नर, इन्होंने इसको एडवोकेट किया फर्टिलिटी फार्मिंग को। ये कहते हैं यूज ऑफ कवर क्रॉप, नो टिलेज, नो केमिकल फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड, नो वीडिंग एंड नो कंपोस्टिंग, ठीक है। इनकी एक बुक थी, उसमें इन्होंने इसको इसी को थोड़ा जो उनके प्रिंसिपल थे जापानीज के, उनको इन्होंने रीडिफाइन किया, है ना। नेक्स्ट मैम, अब ऋषि खेती, तो इसमें क्या कहते हैं, ये जो कौ के फाइव प्रोडक्ट्स हैं कौन कौन से? मिल्क, बटर, कर्ड, घी और यूरिन, इनको आपने यूज करना है, जिसको हम पांच द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैम, अब ये देखिए इसमें क्वालिटी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैव मेडिसिनल वैल्यूज, टुडे स्टिल नंबर ऑफ फार्मर्स ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र यूज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मेथड इन इंडिया। कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें हम इसको ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमें कई जगह पर अभी इसकी आवश्यकता है। जैसे हमारे जम्मू में ही जीएमके में अभी ये लो स्केल पे था, इवन तो हमारा हिली टेरेन है, हम जो ग्रो कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड का मात्रा कम है, ठीक है ना। जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें बाय डिफॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक, बट क्या हम उसको सर्टिफिकेशन के साथ नहीं जोड़ पा रहे, इसलिए हमें अच्छी इनकम नहीं मिल रही। तो इसके लिए हमें अच्छे अवेयरनेस कैंप्स की जरूरत है, लोगों को भी अवेयर करना है कि अगर आप इसको सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ोगे, इसको मार्केट के साथ लिंक करोगे, ब्रांडिंग के साथ करोगे, तो आपको इनकम अच्छी मिलेगी, है ना। ये सुभाष पालेकर जी, जिनके बारे में आप पिछले 27 दिनों से एक नहीं तो दूसरा बात कर रहा है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जीरो बजट खेती। जीरो बजट खेती मीन्स आपको उसी फील्ड के प्रोडक्ट्स को यूज करना है उसी फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट मैम, ये तो ठीक ही है, ये जो आपको मैंने पूछा आप सभी को पता है इसके बारे में, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए चार कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट मैम, अब इसमें कुछ मैंने दिया सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या ऑर्गेनिक और नेचुरल की, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक बोथ आर केमिकल फ्री, ठीक है। बोथ सिस्टम्स डिस्करेज फार्मर फॉर यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ऑन प्लांट्स इन ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, दोनों में हम इनको यूज नहीं करते। Both the farming methods encourage farmers to use local breed seeds. वो क्यों? Why local breed का? Local breed क्यों कहा इन्होंने इधर?
फैटी भी होते हैं प्लस जो हाइट होते हैं ना उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है हाइब्रिड्स की, है ना। इसलिए तो हम मैक्सिमम यूज करते थे फर्टिलाइजर्स का कि हाइब्रिड जाए, हाइब्रिड्स की उतनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें उतना फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, तो इसलिए लोकल अडैप्टेबिलिटी भी है प्लस उनकी। सर इसमें एक पॉइंट है, अगर हम कन्वेंशनल हमारे सीड्स यूज करेंगे उसमें जो प्रॉब्लम ऑफ लॉजिंग जो बेस्ट की प्रॉब्लम है वो तो सेम टू सेम रहेगी, उससे कैसे नेचुरल फार्मिंग में करेंगे? उसमें क्या करते हैं, उसमें आपने स्क्रीनिंग सुना होगा, वर्ड ब्रीडिंग में यूज होता है स्क्रीनिंग, जो बेस्ट उसमें जो निकल जाएगा ना उसको आप यूज करोगे आप। इसलिए तो इन मशीन में ट्रायल करते हैं। अब आप उधर गए थे उस दिन आपने देखा तीन चार बड़ों ने आपको ट्रायल दिखाए, नेहा जी ने दिखाया, शुभम ने दिखाया आपको, ये जो बच्चे काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी उधर ट्रायल करेंगे, ये बेसिकली इनसे एक पैकेज प्रैक्टिस डेवलप होगी कि ये चीजें आप इधर ऐसे यूज करो तो ये बढ़िया रहेगा आपका, ठीक है ना। जो आप सीड्स लेके आए उनको आपने ऐसा चीज लगाना, उनमें से पहले ट्रायल होकर निकलेगा कि ये वाला स्ट्रेन जो है ये वाला बेस्ट है, ग्रोथ यील्ड जो इसके बाकी पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे, तो उन 50 में से ये दो स्ट्रेन हमारे अच्छे हैं उनको दो को आगे हम मल्टीप्लिकेशन करें। सर फॉर एग्जांपल बीटी कॉलम हमने इंट्रोड्यूस किया था वो ब्लैक वो पिंक वॉल वॉल हो रहा था उसके कंट्रोल के लिए, अब जो उससे पहले वाले स्टेज है वो तो सभी पे इन्वेस्ट कर रहा था, हम ज्यादा से ज्यादा ये चेक कर सकते हैं किस पे कम करता है, ठीक है। पर मकसद वही है हमारा कि लोकल का मतलब ये हो गया कि आपका जो एरिया स्पेसिफिक है, जैसे आप बात करो राजमा की, अब राजमा लगाने आपने, हम जब भी राजमा की बात करते हैं कौन कौन से एरिया हमारे दिमाग में आते हैं, भद्रवाह पुंछ है ना जो हाई एरिया है, इवन आपके हिमाचल में भी कुछ एरिया है जहां पर अच्छा ही ग्रो करता है, वहां रीजन क्या है, वहां आपने देखा जो फार्मर है वो लोकल सीड को ही ग्रो करते हैं, वो चाइना वाला नहीं लगाएंगे, और अगर वो लगाएंगे तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा, वो उसमें फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, इसलिए लोकल के ऊपर फोकस किया जाता है। उसमें से क्या करता है फार्मर भी खुद देखता है कि ये मैंने लाइन लगाई है इसमें से ये वाला बढ़िया चला है, इसको मैं एज ए सीड यूज कर लेता हूँ अगली बार। और वेरिएबिलिटी जो होती है जब आप सीड लगाते हो ना उसमें वेरिएबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में कहते हैं ग्राफ्टिंग करिए, बडिंग करिए, कि जो आपका बेस्ट है उसको लाके आप ग्राफ्ट करके टू मदर प्लांट आप सेल कर दो, लेकिन जब आप सीड की बात करो तो उसमें वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसलिए जो लोकल स्ट्रेन्स हैं उसमें से हम बेस्ट लेके उसको आगे प्रमोट करेंगे। कोई भी अच्छा मतलब कनक वाला स्टेट को इंट्रोड्यूस करके हम कर सकते हैं फॉरेन स्टेट, वहां लेके फॉरेन से लेके आओ, लेकिन उसको पहले ट्रायल करना पड़ेगा आपको अपने फील्ड में, ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं आप कर सकते किसी को। अब जैसे हम फ्रूट्स की मैं बात करूं, अभी फ्रूट में क्या आप कहोगे कि सर आपके यहाँ पर मैंगो ग्रो करता है, आप हमेशा वैरायटी दशहरी की बात करते हो, लंगड़ा की बात करते हो, चोसा की बात करते हो, आप कैंट की बात नहीं करते, आप टॉमी एटकिंस की बात नहीं करते। अब जो ये वैरायटीज है ये कैलिफोर्निया और उधर के क्लाइमेट के लिए अच्छी है, लेकिन हमने अपने कभी इधर ट्रायल लगाया नहीं। आप कोई फार्मर जाता है कहता सर मेरा लिंक है मैं टॉमी एटकिंस के 100 प्लांट लेके लगा दिए, वो कल आ जाए कि पक्षी सर मेरा चल नहीं रहा, तो हम पूछेंगे ना भाई तूने किसकी रिकमेंडेशन पे लगाया ये, किसने तुझे कहा था ये लगा दो प्लांट। इसलिए तो यूनिवर्सिटी में जो आप बच्चे पीएचडी कर रहे हो एमएससी कर रहे हो एग्रोनॉमी कहते हो लाइन सोइंग करो जी, है ना, लैंड लेवलिंग करो। अब फार्मर वो कहेगा जी मैं लैंड लेवलिंग क्यों करूं, मुझे पैसे बड़े लगेंगे। भाई अगर तुझे इनकम कमानी है अगर तो तुझे उसी तरह सोचना पड़ेगा ना, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पहले आपको सोचना भी किस कैसे पड़ेगा बनिए की तरह कि मैं कैसे उसको यूज करूं ताकि मुझे उससे मैक्सिमम मिले, और उधर जाके ये नहीं कहूंगा कि नहीं सर ये ऐसे लग गया तो मैंने ऐसे डाल दिया मेरी अच्छी क्रॉप नहीं निकली अच्छा ये नहीं हुआ, तो वहां पर तो आपको सारी। लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मर हो अगर आप इनकम कमाना चाहते हो तो आपको जो टेक्निकली जो आपके बेस्ट तरीके हैं उनको यूज करना, तो उसमें वैरायटी वही लगानी है जो लोकली अडॉप्टेबल होगी। ये नेचुरल फार्मिंग का सबसे बड़ा वो है ताकि वो वहां पर अच्छी चल रही है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो बाहर से लेके आ रहे हो उसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है कैसी है वो जब आप अपने लोकल ट्रायल्स लगाओगे। इसीलिए हमारे जो रिसर्च स्टेशन बनते हैं कृषि विज्ञान केंद्र बनते हैं उनको खोलने का फायदा क्या है, उनको खोलने का फायदा ये है कि आप लोकल पहले लेवल पे रिसर्च करो फिर उसको रिकमेंड करो, है ना, तो ये इसलिए जरूरी है, ठीक है। ये डिसिमिलरिटी ये तो आप सबको पता ही लग गया होगा, बिना सबसे पहले डिसिमिलरिटी वही जो भूमिका ने बताई इसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं उसमें स्पेसिफिक, है ना, गो ऑफ देसी गाय का गोबर और
यूरिन जो है हम उसी का देंगे एक्सक्रीट। बाकी ये आगे कैसे एक्रोट प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिकम्पोजिशन कैसे होगी तो आपको पता ही है, यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस। कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, अब देखो ऑर्गेनिक में जब हम कहेंगे कि हमें मैनुअल चाहिए तो बहुत कॉस्ट लगेगी, तो उसी लिए हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है ना, कॉस्ट कम लगेगी ना उसमें। आपने क्या करना है, गोबर लाना है अपने कार्टन की, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आपने वो फॉर्मुलेशन तैयार कर लेनी है, उसकी डाइल्यूशन करनी है और डिल्यूशन करके आपने स्प्रे कर देना है। तो कितनी रिक्वायरमेंट लगेगी, ज्यादा से ज्यादा अगर आप 200 लीटर बनाओगे तो उसके लिए 10 किलो गोबर चाहिए, 5 किलो 10 किलो, है ना। तो वो अलग अलग फॉर्मुलेशन पर डिपेंड करता है। तो आपका क्या हुआ, आपकी कॉस्ट कम होगी ना, जहां आपने 20 टन डालना है वहां आपका काम कितने में चल रहा है, 5 किलो में। तो ये कंपैरिजन हो गया अपने आप में, ठीक है। चलो बस ये था, मुझे मिला था वो कि कैसे पूरा कंसाइनमेंट ही उधर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया पेस्टिसाइड के कारण। हमारा इधर से फॉरन गया था, उन्होंने पूरा उसको हमारा मैंगो का पूरी कंसाइनमेंट उन्होंने वापस कर दी। तो ये टॉक्सिक लेवल हमारा ज्यादा था उसमें जी, जितना उनकी रिक्वायरमेंट। ये पढ़ो क्या लिखा है, सभी आपको हैप्पीली आप बुला रहे हैं अपनी साइड फ्रूट्स, यदि हमें आपने केमिकल फ्री उगाया तो हम भी आपको खुशी खुशी न्यूट्रिशन देंगे, आपकी हेल्थ बनाएंगे। लेकिन अगर आपने हमें केमिकल डाले हैं तो आप ही रहोगे और ठीक है। ये बेटा कुछ मैंगो का कुछ ये फ्रूट्स की मैंने डाली थी, जैसे मैंगो में हमें करना है तो उसमें क्या करना है, लेग्यूम्स से जैसे आपको मैंने बताया तो आप कर सकते हो। और ये मैनुअल है, ये NADEP क्या है, ये थ्रू NADEP क्या है, ये सारे के बच्चों को पता होगा ये क्या, ये भी कंपोस्ट बनाने का एक वो है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो 10 फुट लंबा 5 फुट चौड़ा 3 फुट होता है डीप, उसमें हम कंपोस्टिंग बनाते हैं। ये महाराष्ट्र की टेक्निक है, ब्रेक ऑफ को हॉर्न मैन्योर। अब एक ये बड़ी अच्छी चीज थी, को हॉर्न मैन्योर। इसमें क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, को के हॉर्न्स लेते हैं, उनमें वो डाल देते हैं, ठीक है। और फिर उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी में बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद वो मैन्योर तैयार होती है, उस वजह से मैन्योर यूज किया जाता है डीकंपोजिशन के बाद, ठीक है। बाकी आपको पता है वो 20% जीव पता ही है ना। तो आपकी फ्लावरिंग आपकी ग्रोथ को अच्छा करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, अच्छी प्रोडक्शन मिलेगी। वैसे सिट्रस में किए कुछ काम, दे देना स्लाइड प्रेजेंटेशन, मैंने इसको अपलोड भी किया था, मैंने लिंक शेयर किया था आपके साथ, देख लेना। ऐसे हवा पैक था उसका सर, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम इसकी सर, जैसे मैंगो में मिली बग आएगा तो गावा में फ्रूट फ्लाई वगैरह आएंगे तो उसका नेचुरली कैसे रिकवर करेंगे हम ब्रीड उसका। डॉक्टर एसके सिंह जी ने बनाया कुछ, मैं बताया मैंने किया हुआ, इसके लिए इंसेक्ट का किया है सर, बट इतनी इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ इसके लिए इंसेक्ट, मिली बग ट्रॉलिंग इंसेक्ट है, ये जमीन से ऊपर चढ़ता है, तो इसमें क्या करते हैं हम बैंडिंग कर लेते हैं, ग्रीस लगा देते हैं उसके ऊपर। लेकिन ये लगानी कब है, अक्टूबर महीने में, और इसका टाइम है डॉक्टर साहब टाइम, अगर ये अक्टूबर के बाद करें अभी करें तो अभी उसके इफेक्ट कम होगा, अक्टूबर नवंबर में इसको करना है, ठीक है। और उसमें ब्रीडिंग ज्यादा होती है तो, और दूसरा ये है कि एक स्प्रे भी करते हैं, आर्मी नीम एस्ट्रैक्ट है, नीम का नीम एस्ट्रैक्ट है जो हम बनाते हैं, स्मेल भी होती है ना, स्मेल के कारण भी वो चढ़ेगा। और दूसरा क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं फ्रूट साइंस की अगर मैं बात करूँ, हम ये कहते हैं कि आप उसको सबसे पहले जो नीचे वाला एरिया है उसको आप पहले अच्छी तरह खोद लो, क्योंकि ये क्या होता है, दो जिसको बोलते हैं बेसिन,
बेसन को अच्छे से खोद लेना है, क्योंकि ये इंसेक्ट जो है जब अपना अटैक कर लेता है ना ऊपर, फिर ये क्रॉस करके नीचे आ जाता है जमीन में, और वहां पर ये रहता है, वहां पर ये अपने अंडे देता है, लार्वा रहता है, तो उसको एक्सपोज कर दो सन के ऊपर, ठीक है। उधर आप एंटी फ्यूमिगेशन आते हैं कुछ फ्यूमिगेंट्स, उनको इधर थोड़ा डाल दो 10 ग्राम भी, उसके प्लांट हाइट के हिसाब से जितनी उसकी एज है उसके हिसाब से 10-20 ग्राम उसमें डाल देना। और ये जो बेंडिंग है ये सबसे बेस्ट तरीका है मिली बग को रोकने के लिए, वो बेंडिंग क्या करनी है, ये नवंबर महीने तक आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर ये करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा जो नीम नीम के स्प्रे वगैरह है वो भी इस पर रोकते हैं, है? जो आप ये को यूरिन का स्प्रे करते हो ये भी इसको प्रिवेंट करते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को, ठीक है। ये कुछ बेटा उसके पांच गव्या के फैक्ट्स थे, मैंगो के ऊपर क्या करता है ये फ्लावरिंग अच्छी करता है उसकी, उसमें एनहांस करता है जैसे उसकी कीपिंग क्वालिटी, ऐसे गुआवा में टीएसएस भरा देता है उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है, मेन इसका ये फ्लो है ना। दिखा देंगे ना, सुना ही अच्छा करती है। दूसरा हमारा जो कोई भी किसी भी तरह की कोई कीड़ा है कुछ है जो उसका उसको बढ़िया करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए दो टाइम उन्होंने निकाले हैं, एक सनराइज से पहले और एक सनसेट के बाद, ठीक है। अर्ली जिसको डॉन और डस्क बोलते हो ना आप, उस टाइम पे आप ये हवन करते हो, ठीक है। इसका जो हवन कुंड बना है इसका भी डायमेंशन होता है, जो हवन करना है इसमें भी आपने घी डालना है, वही गाय जो आपने लेना है देसी गाय का घी, प्लस इसमें क्या करते हैं ब्राउन राइस जो टूटा ना हो वो लेना है, उसके साथ आपने इसका हवन करना है। उसके लिए एक मंत्र होता है, वो मंत्र आपने उच्चारण करना है, सूर्य जो चढ़ता है उसका मंत्र अलग है, जो सूर्य डूबता है उसका मंत्र अलग है। उससे क्या होता है, जो उसकी हवा होती है जो उससे जो पूरा जो जो स्मोक निकलेगी वो आपके जो ग्रोथ है प्लांट्स है उसको बढ़िया लगता है। जैसे आपने अगर कहीं सुना हो लिटरेचर वगैरह में पढ़ा हो तो आपने सुना होगा कि कई जगह पर ना प्लांट्स को सॉन्ग सुनाए जाते हैं, सुना ये वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको, वो क्या है वो सॉन्ग जो है वो ये बताते हैं कि प्लांट्स डू हैव सेंस। और अगर वो सॉन्ग्स के साथ अगर आप कोई अच्छे सॉन्ग सुना रहे हो तो कहते हैं उधर की यील्ड अच्छी होगी, अगर कहीं पर आपने सैड सॉन्ग लगा दिए हैं तो वैसी उनकी ग्रोथ होगी। सुनने में ऐसा लगता ना कि ऐसा, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, फॉरन में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चलते हैं कि किस टोन पे कौन सी प्लांट मैक्सिमम यील्ड दे जाती है। वैसे ये होम फार्मिंग है, ये भी अगर आपके ऑर्गेनिक की अगर बात कर रहे हो, एक जगह आपने कुटिया टाइम बना दी वहां पर आपने सुबह शाम अगर ये करते हो, जो राख बनती है जो हवन की राख है उस राख को आपने वो राख आपका हाँ रंजना वो राख इंसेक्ट कंट्रोल करने में काम करती है। नीम नहीं है हवन की, ये जो हवन की राख होती है ना ये बेस्ट होती है इंसेक्टिसाइड जो हम बोलते हैं, ठीक है। कुकर बिट्स में जैसे कुकर बिट्स में पाउडरी मिट्टी लग जाता है कुछ लग जाता है उसके लिए बेस्ट होती है ये। सर घर में भी अगर आपने देखा होगा पुराने टाइम में गांव वगैरह में देखो तो मदर या दादी वगैरह वो कहीं बेल लगी होती ना, बेल पे कोई लीफ माइनर आ जाए तो उस पे वो क्या करते हैं राख छिड़कते हैं ना, वो क्या कारण है राख तीन लोगों नहीं आया राख छिड़कने का कारण ये है इट एक्ट्स एज एन इंसेक्टिसाइड, कीड़ों से उसको बचाएगा रक्षा करेगा। तो खाके जो करते हैं उसको आपने यूज करना है हवन के लिए, घी डालना है, घी के साथ आपने चावल के जो दाने उनको डालना है उसका हवन करना, ठीक है। चलो शाम अब ये कुछ फॉर्मुलेशन है जो आपकी लिक्विड फॉर्मुलेशन कितना आपने बनाना है मैंने बताया ही आपको, उसके अकॉर्डिंग ये सब आपके पास मिलेगा लिटरेचर में, ठीक है मैडम। चले जाए ठीक है शाम। ये अब इनमें कितनी कितनी क्वांटिटी होती है न्यूट्रिएंट्स की, जैसे पंचगव्या हो गया, बीज अमृत हो गया, जीव अमृत हो गया, तो इनमें नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा, फास्फोरस, पोटैश, ये उसका एक टेबल मुझे मिल गया तो ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। चलो जी ये जैसे अभी ये रंजना का आ गया, इसे कैसे करेंगे, तो ये देखो नीम ऑयल स्प्रेड टू कंट्रोल हॉपर्स, ठीक है। ड्राई लीव्स का यूज करेंगे, सनफ्लावर इज कल्टीवेटेड इन बिटवीन मैंगो ट्रीज
टू अट्रैक्ट हनी बीज विच इंक्रीजेस पॉलिनेशन एंड फ्रूट प्रोडक्शन। ठीक है, ये अलग अलग क्रॉप्स हम के बारे में बता दिए कि कैसे इंडिजीनियस टेक्निक्स को यूज करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन पढ़ लो सारे एक बारी, क्या लिखा है? इज ए न्यू कंसेप्ट, हाउएवर इट इज बीइंग पॉपुलर इन वर्ल्ड स्पीडली स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज। नेचुरल फार्मिंग सिस्टम इज एन अल्टरनेटिव एंड एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट सिस्टम दैट वुड हेल्प टू इंप्रूव सॉइल हेल्थ एनवायरमेंट एंड दस इंक्रीज द प्रोडक्टिव लेवल्स एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। नॉट ओनली फ्रूट्स, इधर सभी यूज हो जाएंगे बट मैं स्पेसिफिक फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, तो फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, इंडिया हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू ग्रो क्रॉप्स एंड फ्रूट्स नेचुरली एंड इमर्ज एज ए मेजर सप्लायर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड ऑर्गेनिक मार्केट। तो ये जो लास्ट लाइन है ये हमें एनकरेज करती है कि हम इसके ऊपर फोकस करें और आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर काम करेंगे ना। The ultimate goal of farming is not the growing of crops, but the cultivation and perfection of human being. ये कोड था जी फादर जी का, मैंने आपसे शेयर कर दिया। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है, पढ़ लिया ना आपने सारा वेरी गुड। द फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज वेरी गुड। पंचगव्य यूज इज डैश इन वेरी गुड। नीम ऑयल इज यूज टू कंट्रोल मैंगो अपर्स। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ जीवामृत आर जंगली सॉइल। एनपीके प्रेजेंट इन जीवामृत आर ठीक है, आप ऐसे ठीक है ना, क्लैपिंग कर दो अपने। थैंक यू ऑल एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर गिविंग ए नाइस डेलीगेशन। And do you have any deliberation, any query you may ask? Do you have some question? No, sir. Hello, I have two questions. I attended one lecture, a very nice presentation by Dr. Bakshi, sir. So, in this lecture, we have learned what is Jeevamrit, Bijamrit. These are the basic components which we have already studied from the last 20 days or 28 days of training. So, now we are very much familiar with the difference with the organic farming, natural farming, and what is the main benefits which we have to get through this training by having a practical application of this part. What we are getting organic vegetables and foods which is benefit for the health of the soil as well as the health of the humans also. So with this, we have got this how to control pests and diseases also through organic means, which is the main hindrance in the farming of the organic. It is organic farming. So with this, I conclude and I will say thanks to Dr. Bakshi sir that he has given a nice presentation and cleared over all doubts regarding pest and disease management and what is the main difference with the Bijamrit and the Jeevamrit. और जो पहली स्लाइड थी सर आपकी वो मास्क लगाया था वो कि मतलब अगर मास्क लगा के तुम स्प्रे कर रहे हो तो मास्क लगा के तुम खा कैसे सकते हो सर, दैट वॉज वेरी क्रिएटिव। और हमने बाकी चीजें मतलब पूरा ब्रशअप हुआ है ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का। मेन डिफरेंस हमें जैसे उस दिन हमें कल रामेश्वर सर ने बताया था, आज सर ने बताया कि काउ डंग उसके सिर्फ देसी काउ का होता है, उसमें
किसी भी एनिमल का हम कैमल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर ने हमें आगे ब्रीफली मैंगो सिट्रस गावा के बारे में भी बताया, जैसे मैंगो में हमारा शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, फ्लावरिंग इंक्रीज होती है, और गावा में शेल्फ लाइफ हमारी इंक्रीज होती है। एंड सर ने हमें वो नीम ऑयल के बारे में बताया हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए, जीव अमृत बीज अमृत जो वापसा और मल्चिंग के बारे में, सो इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई। आज की जो प्रेजेंटेशन थी वो मेनली बेस्ड थी कि नेचुरल फार्मिंग का फ्रूट के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कैसा असर कर रहा है। जैसे सर ने हमें बताया कि मैंगो में फ्लावरिंग इंक्रीज होती है, और अगर हम गुआवा की बात करें तो उसमें शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। इसके अलावा सर ने हमें बताया कि मतलब जीवामृत बीज अमृत पे एनपीके की रेशियो क्या जाती है, ये सब कुछ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा सो मच सर, आपने इतना नॉलेजेबल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हमें दिया। आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, जैसे आपने कहा स्ट्रॉबेरी के ऊपर भी ऑर्गेनिक का काम किया हुआ है और अभी भी आप कंटिन्यूसली स्ट्रॉबेरी के ऊपर नेचुरल फार्मिंग के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, तो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपने हमें बहुत कुछ बताया। आपने हमें मैंगो के बारे में, गावा में, सिट्रस में और डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स में जो ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशंस हैं, जो नेचुरल फार्मिंग की अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं, तो वो क्या असर करती है, आपने उसके बारे में डिटेल में बताया। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।